हाय, आप सब कैसे हो? उम्मीद होगा कि आप सब लोग सही होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग ये लड्डू देख रहे होंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ के लड्डू हैं। तो हाँ दोस्तों, ये लड्डू जो हैं कि जाड़े में खाए जाने वाले लड्डू हैं ये, और ये तीसी के लड्डू हैं जिसको तीसी कहा जाता है, अलसी भी कहा जाता है, और आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये आज उसी के ये लड्डू हैं, ये जाड़े में ज़रूर खाए जाते हैं। ये इम्यूनिटी से भरपूर होते हैं और बॉडी को गर्म भी रखते हैं। तो ये देखिए हमने बनाया हुआ है आज। चलिए आपको इसी की मैं रेसिपी आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाए जाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जो है कि शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लड्डू किस तरह से बने हैं। तो अब चलिए मैं हम स्टार्ट करती हूँ। देखिए एक कढ़ाई लिया हुआ है, खाली है अभी, और गैस को ऑन करते हैं। और फ्रेंड्स अब ये देखिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको कहते हैं तीसी। ये जो होते हैं ये तीसी है, इसको तीसी कहा जाता है, पंजाबी में अलसी कहा जाता है। इसको हम लोग जो है कि ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल भी कोई भी घी और तेल नहीं डालेंगे, और इसी तरह से हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है दोस्तों, अब इसी में हम लोग जो है कि अभी ये जो हमारे तीसी हैं इसको हम लोग जो है कि ड्राई रोस्ट करेंगे। और चलिए आप लोग को और भी सामान दिखा देती हूँ। ये आटा है, इसको हम लोग भी भूनेंगे। काजू, किशमिश, खाने वाली जो गोंद होती है वे, बादाम, सौंठ, नारियल, ये ग्रेट नारियल है, आप चाहे इसके बदले में बुरादा भी ले सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो कढ़ाई है अब ये गर्म हो रही है, हो चुकी है। अब इसमें हम लोग जो है ये ड्राई रोस्ट करेंगे हम लोग जो तीसी है हमारी। ये देखिए अब ड्राई रोस्ट हम लोग करेंगे, इसमें इसको डाल देंगे। हमने एक कटोरी लिया हुआ है और ग्राम से देखें तो ये 100 ग्राम तीसी है। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हो, जैसे कि आधा किलो तीसी है और उसमें पाव भर आटा डालिएगा। अब इसको इसी तरह ही आपको जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आ जाए, और थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये रोस्ट नहीं हुआ है अभी कैसे होगा, तो आप लोग थोड़ा सा एक सीट देख के थोड़ा सा मुँह में डाल के देख भी सकते हो। अगर ये खाने में रोस्टेड लगे और लेस के जैसे ना बने, तब आप समझ लीजिएगा कि आपका ये जो अलसी है अच्छे तरह से रोस्ट हो चुकी है। हम लोग इसको अब धीमी आंच पे ही जो है कि सेकेंगे, तेज आंच पे मत रखिएगा, नहीं तो ये तीसी जो है कि जल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी हेल्थी लड्डू है, ये जाड़े में ज़रूर बना के खाइएगा आप लोग, और रेसिपी को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ, और माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी तरह से हम लोग को रोस्ट कर लेना है। अब ये लड्डू जो है कि इतने अच्छे बनते हैं खाने में, इतने टेस्टी होते हैं कि आप लोग इसको एक बार नहीं बार बार बना के खाएंगे, तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये लड्डू जो हैं। देखिए अब इसमें से चटचट करने की आवाज़ आ रही है, और थोड़े से जो पहले जो कच्चे रहते हैं ना चिपटे हो जाते हैं, जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो थोड़े थोड़े ये फूल जाते हैं ये, तो आप उससे भी समझ जाइएगा कि आप ये रोस्ट हो चुके हैं। आप लोग की कौन कौन सी रेसिपी आप लोग देखना चाहते हो ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा, किस चीज़ के लड्डू देखना चाहते हो ये भी ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आज मैं ये बना रही थी, तीसी के लड्डू बनाए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में मैं भी ये शेयर कर लूँ। देखिए ये चटक रहे हैं ये, अब ये हम लोग गैस को जो है कि कम कर देंगे, कम पहले से थी और अभी हमने बंद ही कर दिया है। अब इसको हम लोग एक थाली में निकाल लेंगे। देखिए फटाफट से इसको निकालेंगे हम लोग, नहीं तो ये हमारी जो अलसी जो है कि जल जाएंगे। हम लोग फिर से कढ़ाई को हम लोग रखेंगे, फिर से गैस ऑन करेंगे।
अब हम लोग को क्या करना है, आटा हम लोग को रोस्ट करना है। जो हमने एक बाउल आटा लिया हुआ है, मैंने ये 100 ग्राम तीसी थी तो ये 50 ग्राम 50 ग्राम जो आटा है मैंने ये कटोरी से मेजरमेंट किया हुआ है। और आपको ज़्यादा बनाना है तो मैंने जैसे बताया था आधा किलो अगर आपकी तीसी हो और एक पाव उसमें आटा ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा हम इसे घी डालेंगे, देसी घी, ये देसी घी में ही लड्डू बनते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी देसी घी में ही ट्राई करिएगा लड्डू बनाना, तेल में नहीं। अगर घी नहीं खाते हो तो कम यूज करिएगा, लेकिन ज़रूर डालिएगा इसमें। अभी जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, थोड़ी सी हम लोग फ्लेम हाई रखेंगे, जैसे ही मेल्ट हो जाएगा वैसे ही हम लोग ये जो हम लोग की आटा है ये हम लोग इसके अंदर डालेंगे। आटा हम लोग को तब तक भूनना है कि जब तक कि ये जो गुलाबीपन ना आ जाए, कच्चापन इसका निकल ना जाए। देखिए हमारा मेल्ट हो चुका है कि अब इसके अंदर हम लोग ये आटा डाल देंगे। अब ये हमारा ये तीसी जो है कि ठंडा हो रहा है, इसको भी हम लोग अब धीमी आंच पे जो है हम लोग को हमें भूनना है। ये लड्डू इतने टेस्टी बनते हैं ना दोस्तों कि बहुत ही अच्छे अमेजिंग लड्डू बनते हैं। इसमें सारे ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट तो अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हो, अखरोट डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो, मखाना डाल सकते हो। मेरे पास अभी ये तीनों ही अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं। ये जल्दी से भून जाएगा आटा। मैंने पहले से ही दोस्तों ही ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था आटा जो है कि घी में थोड़ा सा भून के मैंने रखा हुआ था आप लोग को दिखाने के लिए। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप तीसी को भूनें तो ड्राई रोस्ट करिएगा, उसको कुछ भी मत डालिएगा, और आटे को जब भूनेंगे तो आप घी डाल के ही भूनिएगा। मैंने ये आटा जो है कि पहले से ही भुना हुआ रखा था, फिर आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि आटे में हल्कापन जब भूनते भूनते इसका हल्का वेट जो है कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये आटा जो है कि भून चुका है। और एक बात ये है कि हल्का हल्का गुलाबी हो जाए और तभी आपका ये आटा भून जाएगा। अगर आपको लगे कि कच्चापन आ रहा है तो ये वेट से नाप देख लीजिएगा। पहले जब ये कच्चा रहता है आटा तो बहुत भारीपन होता है, इसको चलाना आसान नहीं होता है। तो जब ये भूनते भूनते हल्का ये हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ये आटा है भून चुका है। तो मैंने पहले से ही बताया था कि ये आटा भुना हुआ है तो मैं ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करूँगी, आपको मैंने बता दिया है। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, गैस बंद करती हूँ। अब ये जो तीसी है हमारे मिक्सर के जार में डाल के हमें इसे महीन ग्राइंड करना है। मैंने देखिए मिक्सर का जार लिया हुआ है, इसमें जो है कि ठंडा हो जाए तीसी तो तुरंत ग्राइंड कर लेना है। इसे ग्राइंड करके और ये जो मैंने आटा भुना हुआ इसको भी जल्दी से इसमें थाली में निकाल लेते हैं, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। इसे हम लोग ये रखेंगे, देखिए इस तरह से आपको भी लाल करना है आटा जो है। फिर से हमने कढ़ाई रखी है, अब हम लोग जो भी ये ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है अब इसको भी हम लोग जो है कि घी में रोस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमने इस तरह से ग्राइंड किया हुआ है, देखिए आपको महीन फाइन इसका पाउडर बना लेना है। इस तरह से तीसी को इस तरह से फाइन इसमें कर देना, फिर आपको इसी आटे वाले थाली में ही मिला देना है। जो आटा हमने भून के रखा हुआ था इसी में ही हमको मिक्स कर देना है। अब चलिए हम लोग अपने जो है ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग जो है कि भून लेते हैं। फिर से हम लोग गैस को ऑन करते हैं। अब हम लोग जो है कि इसमें हम लोग एक चम्मच जो है हम लोग देसी घी डाला हुआ है, छोटे चम्मच के बराबर ही होगा ये भी। मैं एक साथ ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ ताकि जो कम खाते हैं उनको भी
ये आसान सी ये रेसिपी जो है वो भी बना सकें और सर्दियों के मौसम में वो भी खा सकें। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है ना कि घी तेल मना किया जाता है कि नहीं खा पाते हैं वो, उनके लिए भी ये रेसिपी है कि वो भी ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमारा घी जो है कि मेल्ट हो जाए, हम लोग बादाम जो है रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम जो है कि हमने लो की हुई है, मीडियम में की हुई है। अब इसको भी हम लोग इस तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे, इसको जो है भूनेंगे हम लोग, सॉरी घी में हम लोग भूनेंगे। और ये देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से चटक रहा है। सब चीज़ें जो हैं आपको अलग अलग ही भूननी है, रोस्ट करनी है, एक साथ मत करिएगा क्योंकि सबका टेम्परेचर जो है कि अलग अलग होता है। काजू क्योंकि जल्दी भून जाते हैं, जल्दी से लाल हो जाते हैं, इसलिए पहले बादाम मैंने डाला हुआ है। अब देखिए ये हल्के हल्के जो चटकने लग गए हैं, इस तरह से अगर जब हो जाएं, देखिए इस तरह से हो जाएं ये, तो आप इसे निकाल सकते हैं। ये ठंडे होने पे क्रंच हो जाता है ये अपने आप से। अब मैंने काजू लिया हुआ है, काजू को मैंने अभी कोई नाप नहीं दिया हुआ है कि कितना कितना लेना है। आप अपने खाने के रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट जो भी डाल रहे हो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। आप जितना डालोगे उतनी अच्छी टेस्टी लड्डू बनेंगे, कम डालोगे कम बनेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे ही बनते हैं लड्डू ये, तो अपने हिसाब से आप डाल लीजिए। क्या देखिए काजू भी जो है कि हमारे रोस्ट हो गए हैं, काजू क्योंकि जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं इसीलिए अलग अलग ही आप लोग रोस्ट कीजिएगा। देखिए इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए कलर आ चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे तो काजू का कलर चेंज हो जाता है। देखिए किशमिश है, अब हम लोग इसको भी रोस्ट करेंगे। अभी किशमिश भी रोस्ट हो जाते हैं, देखिए किशमिश रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे, इस तरह से फूल जाते हैं रोस्ट करने में तो अच्छा लगता है और काफ़ी दिन तक ये लड्डू जो है कि चलते हैं। बच्चों वाले घर में तो नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ जिसके घर में बड़े हैं उनके घर में ये लड्डू जरूर चल जाएंगे काफ़ी दिन तक। अब हम फिर से इसमें घी और डालेंगे, अभी फिर से मैंने इतना घी डाला है, अब ये मेल्ट होगा। अब हम जो है कि गोंद को रोस्ट करेंगे, ये हमारी गोंद है जो इसको रोस्ट करेंगे हम लोग। और गोंद जब भी आप लोग लें ये छोटी वाली गोंद जरूर लें, क्योंकि जो बड़ी वाली गोंद होती है ना वो भूनते समय भूनते ऊपर से तो लावा फूट जाता है लेकिन अंदर से क्रिस्पन नहीं आता। तो आप जो भी कोशिश कर रहे हैं तो छोटे वाले ही लें, मार्केट में जाए इजी से ये मिल जाते हैं मार्केट में आपको छोटे वाले, तो आप मार्केट में जाएँ तो आप उनसे कहें कि छोटे वाले ही गोंद दीजिए। तो ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से फूल फूल जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से फूल जाते हैं ये। हमारा जो है कि घी अब मेल्ट हो गया है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए, एक करके डाल के देखती हूँ कि हुआ कि नहीं। देखिए हो गया है, ये घी अपना हो गया है। देखिए ये भी जो है अब चलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी जो गोंद जो है इसमें डालेंगे, हम लोग फ्लेम की जो है इस पर कम कर देंगे। देखिए इस तरह से गोंद के जाएंगे, रोस्ट करते जाएंगे इसे। एक साथ गोंद मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही इसको रोस्ट करिएगा, नहीं तो फिर आधे
गुण जो है कि आपके कच्चे अंदर से रहेंगे, क्रिस्प नहीं होंगे और घी भी ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही घी डाल के बता रही हूँ कि जो लोग घी कम खाते हैं वो भी ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये जो गोंद है देखिए क्रिस्प हो जा रहे हैं, इसीलिए छोटे वाले ही गोंद लीजिएगा और ये कम तेल में भी या घी में भी जो है अच्छे से ये रोस्ट हो जाते हैं। बड़े वाले गोंद में थोड़ा ज़्यादा घी तेल लगता है, ये अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये भी हो चुके हैं, जैसे घी हमें कम लगेगा फिर हम डाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे ये जो गोंद है अब हो चुके हैं, रोस्ट हो चुका है। अब ये देखिए कितने अच्छे से ये जो है कि इस तरह से इजी ही टूट जाते हैं ये छोटे वाले गोंद, देखिए ये देखिए। हमने नारियल लिया हुआ था, ये जो नारियल गोला कहते हैं उसको हमने ये लेके इसको ग्रेटेड किया हुआ है। आप चाहे तो बुरादा ले सकते हैं, लेकिन बुरादा अच्छा नहीं होता है, उसके साथ तेल वगैरह अर्क जो है निकल दिया जाता है, तो आप जरूर से नारियल का गोला लेके ही आप इसको ग्रेट करके ही डालिएगा। ये सोट है, अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन मैं भी ये 2 चम्मच के करीब सोट है, मैं ये भी इसमें रोस्ट करूँगी घी में ही, इसको भी डालूँगी मैं। मैंने धीमी किया हुआ है अपनी गैस की फ्लेम जो है मैंने, और इसको धीमी आँच से ही हम रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट खाली हम घी में इसका कच्चापन निकाल देंगे थोड़ा सा, जो तीखापन ना लगे बस हल्का सा। अब देखिए ये हो चुका है, गैस को हम बंद करते हैं अभी। ये भी जो है कि हम आटे वाले और पीसी वाले मिक्सचर में इसको भी हम लोग मिला देंगे। चलिए दूसरा स्टेप हम लोग करते हैं। अब ये मैंने लड्डू अभी बनाए थे, तो ये गुड़ है, ये मेल्टेड गुड़ है और मैंने इसमें गुड़ डाला हुआ है, तो इसको गैस को हम लोग ऑन करते हैं और थोड़ा सा फिर से इसमें हम लोग पानी डालेंगे और थोड़ा गुड़ डालेंगे। अगर आप लोग आधा, ये मैंने में लिया हुआ था तीसी 100 ग्राम 50 ग्राम आटा, उसके हिसाब से 1 कटोरी जो है ये वाली भर के हम लोग डाल देंगे, 1 कटोरी इसी से नाप के हम लोग डाल देंगे। गुड़ भी बहुत है, अभी ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट करना है इसको हम लोग को, धीमी आंच पे ही मेल्ट करेंगे इसको भी हम लोग। हल्का सा इसमें हम लोग पानी डालेंगे, इतना पानी लिया है बस इतना ही हम लोग को पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम लोग, और गुड़ को हम लोग मेल्ट कर लेंगे इस तरह से काट लेंगे हम लोग। मेल्ट हो जाता है गुड़, देखिए हमारा मेल्ट हो चुका है ये देखिए। अब हम लोग जो है कि जो अपने हम लोग ने ये किया था ड्राई फ्रूट जो है कि रोस्ट किए हुए थे, इसको चलिए हम लोग चाकू अब काट लेते हैं महीन महीन। इसमें हम जो है कि आटा तीसी और सोट हमने मिक्सचर मिला लिया था, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, ये गोंद भी इसी में हम लोग डाल देंगे। इस तरह से हाथ से ही क्रश करके डाल दीजिए, बहुत ईजी ही क्रश हो जाएंगे। और ये किशमिश जो है कि ऐसे ही डाल दीजिए, इसमें घी वगैरह लगा है अच्छे से। काजू बादाम मैंने काट लिए हैं इस तरह से, ये भी इसी में हम लोग डाल देंगे। नारियल का बुरादा जो है हम लोग इसको रोस्ट नहीं करेंगे, उसका टेस्ट बदल जाता है, ये भी हम लोग डाल देंगे इसी में। अब इसको सब चीज़ को हम लोग मिला देंगे।
इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं कि हम लोग को मिला लेनी है। अब ये जो मेल्ट किया हुआ गुड़ है अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, चाहे आप इस तरह से भी डाल दीजिए, चाहे आप इसको चाल के भी डाल सकते हो। अभी थोड़ा सा ये गर्म होगा तो हम लोग थोड़ा सा इसे स्पून से मिला लेंगे, क्योंकि जल्दी से जो ये जो है कि गुड़ सेट होने लगता है, तो आप जल्दी से मिलाइएगा और जल्दी से इसके लड्डू बांध दीजिएगा। थोड़ा सा हाथ में गर्म लग रहा है, लेकिन मैं आपको बन के दिखा रही हूँ कि इस तरह से पूरा ही इसमें मिक्स कर दीजिएगा। बहुत गर्म है अभी। इस तरह से अब इस तरह से लड्डू जो है इसके बनना ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये बहुत ही अच्छे खाने में टेस्टी होते हैं, जरूर ट्राई करिएगा आप लोग। सर्दियों के मौसम में चल रहा है, बच्चों को बूढ़े को आपके घर में जो भी परिवार वाले हैं बूढ़े सदस्य, उनको भी बच्चों को भी जरूर बना के खिलाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि वो जो सफ़ेद सफ़ेद थे, तो मैंने ये गरम में ही ड्राई रोस्ट कर दिया था जो तीसी है हमारे, और हल्की हल्की मैंने उसको खड़ी रखी थी, इसलिए वो इस तरह से दिख रहे हैं अभी। अब तीसी के लड्डू ब्लैक कलर में ही होते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस तरह से ये हमने बना लिया लड्डू जो है। अब इसके ऊपर चाहे तो आप इसी तरह रहने दें, चाहिए एक एक तो काजू इसके अंदर में इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं एक एक काजू इसके ऊपर में इस तरह से लगा दीजिए। तो दोस्तों बनके अब रेडी हैं तीसी के लड्डू। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, और मैं कल फिर इसी चैनल पे मैं फिर से कल वीडियो नई लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।